के सूर्यनगर में शहर के दिव्यांग नागरिकों के लिए अनुभूति एनक्लेव से पार्क का भूमि पूजन सोमवार को केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी के हस्ते आमदार कृष्णा खोपड़े इनकी प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित विधायक कृष्णा खोपड़े ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी की संकल्पना से ही लगभग 12 करोड़ निधि से सूर्यनगर लता मंगेशकर गार्डन के समीप करीब 2.5 एकड़ जगह पर इस पार्क का निर्माण होने जा रहा है। यह पार्क दिव्यांगजन नागरिकों के लिए देश का एकमात्र पार्क होगा। पूर्व नागपुर ही नहीं संपूर्ण शहर के दिव्यांग विकलांग नागरिकों के लिए यह पार्क वरदान साबित होगा। नागपुर सुधार प्रन्यास के माध्यम से निर्माण होने जा रहे इस पार्क के साथ ही पूर्व नागपुर की शान में फिर एक नए प्रोजेक्ट का इजाफा होगा, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी का हम आभार व्यक्त करते हैं। अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग पार्क या ठिकाणी भूमि पूजन होता है। शायद ही जागा अंदाजे 2 एकड़ वरत ही जागा है। या जागेवर सुद्धा अनेक राजकीय नेत्यांची नजर लागली होती का कोणी कॉलेजसाठी मांगत होता तर कोणी शाळेसाठी मांगत होता। लेकिन आपल्या हाताने हे पुण्याचं काम व्हायचं होतं आणि म्हणून आज या ठिकाणी दिव्यांगांचं फार मोठं या ठिकाणी पार्क या ठिकाणी होत आहे। आम्ही 1.5 घंट्यापासून जे डोळ्याने पाहू शकत नाही असे या ठिकाणी आम्ही ऑर्केस्ट्रा कमसेकम 2.5 घंट्यापासून आम्ही या ठिकाणी पाहत आहोत। ऑर्केस्ट्रावाले का ऑर्केस्ट्रा गाणार आहे यांच्या समोर अशा प्रकारचे गाणे या ठिकाणी या सगळ्यांनी गावं सगळ्याचं मन जिंकून करण्याचं काम या ठिकाणी या लोकांनी केलं। हे दिव्यांग पार्क झालं याच्या समोर आपलं लता मंगेशकर गार्डन याच्या समोर आहे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अनुभूति एनक्लेव स्ट्रे पार्क के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में दक्षिण नागपुर परिसर में दिव्यांगों के लिए एक स्वतंत्र मैदान तैयार किया जाएगा। ये उज्जैन के जिलाधिकारी होते पंकज मारू ये एका विदेशी कंपनीत मोठ्या पगारावर नोकरी करत होते पण त्यांची मुलगी दिव्यांग होती आणि म्हणून दिव्यांगांकरता काम करण्याकरता त्यांनी आपली नोकरी सोडली आणि आज समर्पित भावनेने काम करतात आहेत। त्यांनी दोघांनी मिळून उज्जैनला खूप सुंदर दिव्यांग पार्क बांधला। त्यावेळी आपले कर्नाटकचे राज्यपाल आदरणीय थावरचंद गेहलोत हे तिथले एमपी होते आणि समाज कल्याण विभागाचे मंत्री होते। त्यावेळी हा पार्क बघण्याची संधी मला मिळाली आणि तो बघितल्यानंतर माझ्या मनामध्ये इच्छा निर्माण झाली की आपल्या नागपूर जिल्ह्यात नागपूर शहरातच जवळपास 3 लाख दिव्यांग आहेत, ज्येष्ठ नागरिक आहेत, जवळपास 5 लाख ज्येष्ठ नागरिक आहेत। एनबीसी न्यूज के लिए कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।